अपनी माँ की बात मान ले सिद्धार्थ, मत कर अनुष्का से शादी, तुझे कुछ हो गया तो कोई छोटा मोटा आदमी होता ना बाबूजी, तो दबके मर गया होता। पर ये यहाँ क्यों मंगा लिए? क्योंकि हम इसके बोझ तले एक रेड्डी को दबा के मारना चाहते। फिर वो सब छोड़िए, ये बताइए उस लेडी का क्या हुआ? से बात हो गई है, तीर कमान पे चढ़ा दी है, आप बता देना, चला देंगे। गुड, चलिए बैग दीजिए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ही ले चलता हूँ। नहीं स्वीटी जी, हम नहीं चाहते कि आप के रेड्डी की नजरों में आए, वो आपने निशाना बनाया, आप यहीं रुकिएगा। ठीक है। इंदू रावत का केस सॉल्व हो चुका है सर, सिर्फ 1.5 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया सर, और वो काफी आसानी से मान गई है। बोलो रोजे। सर मिस्टर सिद्धांत सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो। ऐसे बिना बताए आने के लिए सॉरी मिस्टर रेड्डी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। छोड़ो, हमने सुना है कि आपने इंदू रावत को पैसे खिलाकर केस सेटल कर लिया। तुमको क्या लगा तुम कह के रेड्डी को एक केस से हिला देगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको लगता है कि हम आपको कमजोर समझ रहे हैं, तो शायद आप हमें ठीक से समझ नहीं पाए हैं। हमें पूरा अंदाजा है कि के रेड्डी कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं है कि सिद्धांत प्रभाकर सिन्हा इस ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। ये सब क्या है सिद्धांत? कमला सरकार, जमीला फिरदौस, शर्मीला देवगन, शांति पुरोहित, ऐसे और बहुत से हैं। ये सब उन वुमेन एम्प्लॉयज के लीगल नोटिसेज हैं जिन्हें पिछले कुछ सालों में रेड्डी कॉरपोरेशन ने छुपके से निकाल फेंका है। कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हैं, कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन केसेस हैं, और किसी ने अगर मेडिकल इमरजेंसी के लिए छुट्टी मांगी है तो रेड्डी कॉरपोरेशन ने उनकी छुट्टी कर दी। जैसे ही किसी औरत की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो उसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है, कहीं मेटर्निटी लीव और बाकी बेनिफिट्स ना देने पड़े। और ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें प्रमोशन नहीं दी गई है क्योंकि वो शादीशुदा हैं और कभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और ये सब इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, मेटर्निटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 111 के साफ साफ खिलाफ है। भाषण मत दो, सीधा मुद्दा पर आओ। मुद्दे की बात यह है कि सर कि रेड्डी कॉरपोरेशन औरतों को समान दर्जा नहीं देती। आपकी सब कंपनियों में औरतों के साथ ज्यादती हुई है और ऐसे 326 केसेस हैं कुल मिला के, और हम इन सब को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब औरतों ने मिलकर फैसला लिया है कि वो कोर्ट जाएंगी और रेड्डी कॉरपोरेशन को घुटनों में आना पड़ेगा।
तुम्हें क्या लगता है सिद्धांत, तुम ऐसे जीत पाओगे? एक एक केस को प्रूव करना पड़ता है। आप इन्हें तो जानते ही होंगे? नहीं। कोई बात नहीं मिस्टर रेड्डी, आप बड़े आदमी हैं और आपकी कंपनी में तो हजारों लोग काम करते हैं ना, तो आप सबको तो जान नहीं पाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये है सुकृति मिश्रा, आपके रेड्डी केमिकल्स में एडमिन में काम करती हैं, माफ कीजिएगा करती थी। कितने साल आपने काम किया है रेड्डी कॉर्पोरेशन में? 7 साल। और अभी अभी इन्हें रेड्डी कॉर्पोरेशन से निकाल दिया गया है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने 6 महीने के बदले 8 महीने की मैटरनिटी लीव मांगी थी, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन रेड्डी कॉर्पोरेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ने जॉब से निकाल दिया। मां बनना एक औरत की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वक्त होता है के रेड्डी, लेकिन रेड्डी कॉर्पोरेशन को एक होने वाली मां की प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें तो बस मुनाफे की पड़ी है। ये मुनाफा कभी रुकना नहीं चाहिए। बस कॉम्पनसेशन मिला होगा ना? बात पैसे की नहीं है सर, बात मेरे करियर मेरी पहचान की है। मुझे बस काम करना है क्योंकि मेरा काम ही मेरी पहचान है सर। ऐसी और भी 325 औरतें हैं जो अपनी दास्तां कोर्ट में सुनाने के लिए बेताब हैं, क्योंकि उन सब के साथ बेइंसाफी हुई है। और जब ये कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगी, तब पता चलेगा कि कानून किसका साथ देता है, सच्चाई का या के रेड्डी का। वैसे आदमी और औरत के समान अधिकार यानी इक्वल राइट्स पे आपने तो कई बार लेक्चर दिया ना सर, हम कोर्ट में भी वही लेक्चर पेश करने वाले हैं। आप ही के तलवार से आपका गला काटेंगे। बात नहीं सुनो, ये तुम लोगों का यूज करता। अब हम पे ऐसा इंजाम कैसे लगा सकते हैं के सर? हम तो इनके केस पे पूरा बिलीव करते हैं और इनसे फीस भी नहीं ले रहे हैं। वैसे बाकी सब 325 औरतों से फीस के तौर पे हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, और जो भी मुआवजा मिलेगा इन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। तो हम इनका यूज कैसे कर रहे हैं? हाँ के सर, तुमको क्या लगता है के तेरे को अपना रेपुटेशन ऐसा ही खराब करने देगा? के अगर एक को कॉम्पनसेशन दे सकता तो बाकी का 325 को भी दे सकता। हाँ के सबको कॉम्पनसेशन देगा। सच? इतना जल्दी भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, सोचिए समझिए फिर बताइएगा। आइए। और हाँ, एक बात तो हम कहना भूल ही गए, अगर आप ये सारे केस सेटल करते हैं तो कुल मिला के आपको 326 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। और याद है ना, हमने आपको प्रॉमिस किया था उससे बस 26 करोड़ ज्यादा, लेकिन हमें पूरा यकीन है इतना तो आप मैनेज कर ही लेंगे।
आपका दिल इसलिए तड़प रहा है ना ससुर जी कि आप अपनी बेटी की शादी में 30 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए, तो सिद्धांत सिन्हा आपसे वादा करता है कि आपकी बेटी की शादी के पहले हम आपके 300 करोड़ खर्च करवाएंगे। जी माफ कर दीजिए आंटी। ऑफिस आए हुए थे तो सोचा मिल लेते हैं। उदास हो? कुछ हुआ है क्या सिद्धांत? गायत्री आंटी खुश क्यों नहीं है? वो खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रहूंगी? कैसे करूंगी शादी? कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सिद्धांत? कल शादी है हमारी। हम पे भरोसा करो और थोड़ा पेशेंस रखो, ओके? प्लीज। सिद्धांत, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? तुम अपना काम करो, अब हम निकलते हैं। सबको कंपनसेशन दे दो, मामला खत्म करो। सर, आप इसको ऐसे ही जाने दिया? ये पैसा आपकी खून पसीने की कमाई। सर, बात 300 करोड़ का नहीं है राव, बात के का रेपुटेशन का है। सिर्फ के ही नहीं, रेड्डी कॉर्पोरेशन भी बदनाम होगा। और 300 करोड़ का चक्कर में जब शेयर गिरेगा 3000 करोड़ का नुकसान होगा। ये सिद्धांत एकदम सही जगह पर वार किया। प्रभाकर होता तो वो भी ऐसा ही करता। उसको पता केके को कहां चोट देना है। अभी केके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अनुष्का का वेडिंग, और के उसका ये इंतजाम कर दिया। सिद्धांत वेडिंग पर नहीं आएगा क्योंकि उसका माँ उसको आने नहीं देगा। आप सिद्धांत को समझाओ, क्योंकि अगर वो मंडप पर आया सिद्धांत को भी जान से मार डालेगा। और अगर सिद्धांत वेडिंग पर नहीं आया तो अनुष्का पूरा लाइफ उसका शक्ल नहीं देखेगा। बस 24 घंटा में सिद्धांत को पता चल जाएगा कि वो के रेड्डी से कभी जीत नहीं सकता। ये देखिए, मुझे माफ कर दीजिए आंटी। एक माँ के लिए इससे बड़ा डर कुछ नहीं हो सकता कि उसके बेटे को कुछ हो सकता है। शादी बंद कर दो। ये कैसे है भाई? अच्छा है। अरे आपने तो बिना देखे ही बोल दिया अच्छा है। माँ की चिंता मत करिए भाई, एक बार ये अनुष्का इस घर में दुल्हन बनकर आएगी ना तो देखना माँ का गुस्सा यूं फुर हो जाएगा।
और अगर तब भी नहीं मानी तो अनुष्का को तो आप जानते हो ना, कितनी स्वीट है, झटपट मना लेगी माँ को। बाबूजी, बरातियों की लिस्ट तैयार है, बंसल खुराना और उस खट्टर को भी बुला लिया है। मैंने कहा शादी का टाइम है, किसी से क्या गिला शिकवा रखना। मुबारक हो बाबूजी, मुबारक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी शादी अनुष्का जी के साथ हो रही है। हमने कहा था ना, हमसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? क्या बात है सिद्धांत, अपनी शादी में तो लोगों के मन में लड्डू फूटते हैं और तुम सर झुकाए बैठे हो। क्या करें, उधर अनुष्का खुश नहीं है और इधर मां खुश नहीं है। उन दोनों के पास तो अपनी अपनी वजह है खुश ना होने की। तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारी खुशी उन दोनों की खुशी से जुड़ी हुई है। नहीं, असल बात तो यह है कि तुम्हारे मन पर बोझ है कि तुमने अनुष्का को अभी तक सच नहीं बताया है। आप कहना क्या चाहते हैं कि हम अनुष्का को बता दें कि उसके अप्पा ने आपको? हाँ, शादी जैसे रिश्ते की बुनियाद आधे अधूरे नहीं, पूरे सच पर रखी जानी चाहिए। आपको लगता है कि अनुष्का ये सच बर्दाश्त कर पाएगी? ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है सिद्धांत, सारी दुनिया का बोझ अपने कंधे पर मत उठाओ। अनुष्का को कैसा लगेगा, वो ये सच हैंडल कर पाएगी कि नहीं, ये चिंता तुम्हारी नहीं है। बस तुम्हारे मन पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। और अगर अनुष्का ने सच सुनकर शादी करने से इनकार कर दिया तो फिर तुम्हारे प्यार का भी इम्तिहान होगा। अगर वो इनकार कर देगी तो शादी मत करना, क्योंकि अनुष्का को अगर ये सच शादी के बाद पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा और तब तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। मैं बहुत डर लग रहा है। ये बात हम अनुष्का को कैसे कहें? सच बोलना हमेशा से ही हिम्मत का काम रहा है सिद्धांत, और हम जानते हैं कि हमारे बेटे में ये हिम्मत है। सिद्धांत, तुमने तो अर्जेंटली बुलाया मुझे। बोलो। कल हमारी शादी है अनुष्का, और हम तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। फिर कुछ गड़बड़ कर दी तुमने? क्या किया? किया कुछ नहीं है, बस कुछ बात है हमारे मन में। पक्का बात ही है ना, कुछ किया तो नहीं है तुमने? नहीं, लेकिन वो बात ऐसी है कि उसे जानने के बाद हो सकता है तुम हमसे शादी करने से इनकार कर दो। फिर तो तुम मेरे प्यार को समझते नहीं हो सिद्धार्थ, क्योंकि दुनिया में कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि वो तुमसे शादी करने से इनकार कर दो। पर हम फिर भी चाहते हैं कि तुम हमारी बात सुन लो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी और हमारी शादी की बुनियाद विश्वास पर हो।
शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी सिद्धांत सिन्हा। हमारी बात सुन के कहती तो मैं और भी ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। अब तुम्हें जो भी कहना है ना शादी के बाद कहना, इसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि तुमसे शादी करने का फैसला सही था या नहीं। तुम जानते नहीं हो सिद्धांत, तुम्हारे लिए मेरा प्यार समुंदर जितना गहरा है। तुमने हमारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया अनुष्का, और हमारे यकीन को और भी पक्का कर दिया कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चलो हम निकलते हैं अब, कल बारात लेके आएंगे और अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.